नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और जेएनयू में जो कुछ हुआ है उस पर हमारा ये ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। सबसे लेटेस्ट प्रतिक्रिया है उद्धव ठाकरे की, वो ये कह रहे हैं कि जेएनयू में जो हिंसा देखने को मिली है दरअसल वो 26/11 के हमले जैसी है। नकाबपोश लोग कायर थे और इन लोगों के चेहरे से नकाब उतरना चाहिए। साथ ही उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि महाराष्ट्र में इस तरह की हिंसा की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो तीन बातें, एक तरफ जेएनयू हिंसा की तुलना उद्धव ठाकरे ने मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले से की है। वो साफ कह रहे हैं जिन लोगों ने नकाब पहनकर हमला किया उनका नकाब उतरना चाहिए, वो बेनकाब हो। साथ ही वो ये कहते हैं कि इस देश के नौजवानों के दिलों में गुस्सा है। नकाब जो था उनके चेहरे पर वो उतरना चाहिए, वो उतरना ही चाहिए, और असली चेहरा जो हमला जिसने किया उनका पूरे देश के सामने आना ही चाहिए। मैं राज और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है। आपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो। अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी अब। और अपना युवा कभी, कल भी नहीं, आज भी नहीं, और आने वाले कल में भी कभी भी डरपोक था नहीं। और जो भी नकाबधारी हैं उनके बुरखे चेहरे से उतरने ही चाहिए। उन्होंने ऐसी स्थिति वहाँ पे देखी कि जब गए तो इलाज हमारा शुरू हुआ। इलाज शुरू होने के बाद में वहाँ पे तमाम इनके जो आका लोग हैं, वृंदा करात, इनके जेएनयूटा के लोग, फिर प्रियंका गांधी, कमलनाथ, योगेंद्र यादव, ऐसे महान लोग वहाँ आते हैं। और उसके बाद में जो पार्शलिटी एबीवीपी के लोगों को झेलनी पड़ती है। हम लोग सबसे पहले एम्स जाने वाले हैं और रात 3:30 बजे तक हमारा इलाज नहीं होता है। बाद में जब रात में हमने वहाँ के लोकल प्रशासन से अपील करी तो जब स्टाफ चेंज हुआ तब जाके हमारा अपील हुआ। मेरे हाथ में 2 फ्रैक्चर हैं और देख सकते हैं कैसा इन्होंने इलाज किया है। तो एक डॉक्टर को भी, मतलब जो डॉक्टर पूरे देश में एक जीवन रक्षक कहा जाता है, उनको भी इन्होंने कल, वो भी एक शर्मसार देखने की, मतलब। और उस समय एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता इस सिचुएशन में नहीं था, इस कंडीशन में नहीं था कि मीडिया के सामने आके बोल सके। प्रियंका गांधी बोली, हम प्रियंका गांधी को बोले कि हम ऐसा, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम मिलने की कोशिश किए तो बोले, उन्होंने तुरंत इग्नोर किया। और ऐसे ऐसे, और जैसे प्रियंका गांधी आने वाली थी ऐसे ऐसे लोगों को हॉस्पिटल के कपड़े पहना के व्हील चेयर पे बिठा दिया गया जिनको एक खरोंच तक नहीं आई थी। और जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो तुरंत प्रियंका गांधी के आगे सरेंडर हो जाता है। उससे पहले तक ठीक था, वहां जाके सरेंडर हो जाता है। और उन्होंने टारगेट कर करके हमको पहले तो ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकाला, फिर हम लोग दूसरे रूम में जाके खड़े होते हैं, फिर कुछ दूसरे डॉक्टर्स आते हैं, वो लोग देखते हैं सच में सीवियर कंडीशन है, फिर हमारा एक एक करके इलाज होता है। तो 8 से 10 घंटा लग जाता है सिर्फ और सिर्फ ये पट्टी प्लास्टर और चेकअप कराने में। उसके बाद से मीडिया से एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा, एक चौथा स्तंभ है जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं कि एबीवीपी के छात्रों ने मारा। ये मैं तो एबीवीपी का हूँ, इस कैंपस में पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ। 2 साल पहले भी इनको, जब इलेक्शन के बाद में इन्होंने मारा था, आप सभी लोग तब मौजूद थे। कम से कम दोनों तरफ की सच्चाई जानते हुए, जो सच अभी है, जब दोनों पक्षों की बात आपके सामने आई है तो कम से कम आपको सच बताने की जरूरत है। कुछ लोग बोल देते हैं कि एबीवीपी ने मारा है, जब उनका फोटो देखते हैं तो जो मॉब लीड कर रही है उसमें जेएनयू की प्रेसिडेंट होती है, जिस मॉब ने मुझे मारा है उसमें आयशा का सतीश चंद्र यादव होता है, जो मॉब दौड़ा रही है उसमें दोलन गीता कुमारी होती है, और इनके टीचर फ्रेंच सेंटर के एक टीचर है कंडा, वो लीड करते हैं वहां पे, वो मॉब को इनिशिएट करते हैं, वो मॉब को पहुंचाते हैं। एक वाजपेयी करके सर है, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, विवेक वाजपेयी उनका नाम है, सोशल मीडिया।